जब भी आप कोई असेट बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन्स टैक्स दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन बात जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की आती है तो हमारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। साधारणतया ये माना जाता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है तथा उसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया जाता है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग तथा गाइडेंस से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को भी बचाया जा सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि 5 ऐसी टिप्स दूंगा जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। इन टिप्स को फॉलो करके आप निश्चित रूप से अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ है या होने वाला है तो ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब भी आपको होता है तो उसमें से आप शॉर्ट टर्म लॉस को घटा सकते हैं। इसको एक हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई घर बेचा है और उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। सामने अगर किसी दूसरी प्रॉपर्टी में आपको अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो उसके सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि जब भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें से सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही नहीं बल्कि आप बिजनेस लॉस भी माइनस कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें अगर आपको कोई लॉस हुआ है, यानी बिजनेस इनकम की हेड में अगर वो नेगेटिव फिगर है, तो उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से माइनस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जब भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में अगर कोई नेगेटिव बैलेंस होता है, यानी अगर हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो वो भी आप माइनस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आपकी कोई सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर आपने जो हाउसिंग लोन लिया था, वो हाउसिंग लोन उसमें से माइनस करने के बाद में जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है वो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से माइनस कर सकते हैं। अगर SOP के अलावा अगर कोई आपका दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि आपने किराए पे दी हुई है, उसमें अगर आपको जो किराया मिलता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो होम लोन लिया था या जो कोई भी लोन लिया था उसका जो पेमेंट है वो आपके रेंटल इनकम से अगर ज़्यादा होता है या जो भी एडजस्टमेंट म्यूनसिपल टैक्सेस का और 30% का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का एडजस्टमेंट करने के बाद में पीछे जो रिजल्ट बचता है वो अगर नेगेटिव है तो उसको भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने माइनस कर सकते हैं। टिप नंबर 2, अगर आप कोई डेप्रिसिएबल असेट बेचते हैं तो उसके ऊपर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी जो भी आपका अमाउंट होता है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन उसको भी बचाने का एक तरीका है। इनकम टैक्स एक्ट में हालांकि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस लॉज है जो कि SSC के फेवर में है। उन केस लॉज के अनुसार अगर कोई डेप्रिसिएबल असेट है और वो असेट अगर लॉन्ग टर्म की श्रेणी में आती है, यानी उसका जो होल्डिंग है जो भी लिमिट दी हुई है उससे अगर ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आप सेक्शन 54F और सेक्शन 54EC का डिडक्शन ले सकते हैं। यानी अगर कोई डेप्रिसिएबल असेट आपने बेची है उसके ऊपर अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हालांकि वो टैक्स तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर ही होगा, लेकिन जो बेनिफिट सेक्शन 54F और सेक्शन 54EC में जो भी मिलता है, जो कि सिर्फ लॉन्ग टर्म की कैटेगरी वालों को ही मिलता है, वो डेप्रिसिएबल असेट के ऊपर भी आपको मिल सकता है। टिप नंबर 3, जब भी आप कोई असेट बेचते हैं और उसके ऊपर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो उसके सेल कंसिडरेशन में से आप बहुत सारी चीज़ें माइनस कर सकते हैं। उसमें पहली चीज़ है ब्रोकरेज, यानी अगर वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए अगर आपने किसी को ब्रोकरेज का पेमेंट किया है तो वो आप कैपिटल गेन में से माइनस कर सकते हैं। ब्रोकरेज के साथ में आप कमीशन भी माइनस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए अगर किसी न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट दिया था, वो एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट वो भी आप अपने कैपिटल गेन में से माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सेलिंग एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी का अगर आपने पेमेंट किया है या अगर रजिस्ट्रेशन चार्जेस का आपने पेमेंट किया है, तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके सेल कंसिडरेशन में से माइनस कर सकते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद में पीछे जो बचेगा उसी के ऊपर ही आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना होगा। टिप नंबर 4, जब भी आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है
उसमें से आप उसकी जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी आपने अगर बेची है तो उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो माइनस करते हैं वो तो सबको मालूम है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो भी माइनस कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं जिससे कि उस प्रॉपर्टी का वैल्यू एडिशन होता है। उस वैल्यू एडिशन से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी सारे के सारे आप अपने सेल कंसिडरेशन में से माइनस कर सकते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में उसको ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब टिप नंबर 4 में आप जो भी एक्सपेंसेस आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के ऊपर होता है वो सारा का सारा माइनस कर सकते हैं। टिप नंबर 5, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचने से हुआ है तो उसके ऊपर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन आपकी अगर एग्रीकल्चर लैंड वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड की श्रेणी में आती है तभी उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है। अगर वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की श्रेणी में अगर आती है तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना होगा। कौन सी एग्रीकल्चर लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड की श्रेणी में आती है इसके ऊपर हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब इसके अलावा अगर ऊपर आप आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 54, 54F तथा 54EC इनके डिडक्शन के बारे में भी हमने अलग वीडियो बनाए हुए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये थे 5 टिप जो कि मैंने आपको दिए थे। अगर आप इन टिप को फॉलो करेंगे तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बच सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।